अगर आपका भी फेसबुक का पेज है और आप अपने फेसबुक के पेज के लेवल को अप करना चाहते हैं यानी बिकम अ लेवल अप क्रिएटर, ये वाला फीचर अपने पेज पर हासिल करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप ये वाला फीचर हासिल कर सकते हैं यानी इसका क्या क्राइटेरिया है और इसको किस तरह से इनेबल करते हैं यानी स्टार मोनेटाइजेशन उसको किस तरह से इनेबल करते हैं। तो आज की इस वीडियो हम यही बात करने जा रहे हैं, मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ गाइड करूँगा किस तरह से आपको इसका क्या क्राइटेरिया और किस तरह से आपने इसको मीट करना है और किस तरह से आपने इसकी मोनेटाइजेशन ऑन करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लेना है। क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रही क्रिएटिव टूल की, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना जो पेज है ये उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो ये राइट साइड पे ये कॉर्नर में नज़र आ रहा है बिकम अ लेवल अप क्रिएटर एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसमें 6 ऑप्शंस हैं, इनको आपने मीट करना है। फर्स्ट है क्रिएट अ गेमिंग वीडियो क्रिएटर पेज। सबसे पहले तो आपने आपका जो फेसबुक पेज है उसकी जो कैटेगरी है आपने वो गेमिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। गेमिंग सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्ट्रीम फॉर एलिजिबल कंट्री, कि जो एलिजिबल कंट्री है उन कंट्रीज में आपने स्ट्रीम करनी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एलिजिबल कंट्री में शामिल है, आप पाकिस्तान से भी स्ट्रीम कर सकते हो और मेरा ख्याल इंडिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आ रही मीट कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कि आपका जो पेज है उस पर कोई भी जो फेसबुक का है कम्युनिटी स्टैंडर्ड या कोई भी उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, यानी आपका पेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है। तो नंबर फोर्थ पर ऑप्शन आ रही स्ट्रीम वीडियो गेमिंग कंटेंट फॉर एट लीस्ट 4 आवर्स इन द लास्ट 14 डेज, आप पिछले 14 दिन में यानी 14 दिन में 4 घंटे आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है गेमिंग की, किसी भी गेम को आप लाइव उसको प्ले कर सकते हैं। अगर आपको गेम लाइव नहीं करना आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप OBS को यूज़ करते हुए गेम या कोई भी वीडियो उसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो उसको देख के आप गेमिंग यहाँ पर लाइव कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 14 दिनों में आपने 4 घंटे, बेशक आप एक दिन 2 घंटा कर लें, अगले दिन घंटा कर लें, 4 दिनों में कर लें, लेकिन ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड में आ रही स्ट्रीम वीडियो गेमिंग कंटेंट ऑन एट लीस्ट 2 डेज इन द लास्ट 14 डेज, तो आप ये वाला जो पाँचवीं ऑप्शन है स्ट्रीम वीडियो गेमिंग कंटेंट, ये 14 दिन की बजाय 2 दिनों में भी मुकम्मल कर सकते हो, यानी एक दिन आप 2 घंटे कर लें, अगले दिन आप 2 घंटे लाइव कर लें, तो आप ये क्राइटेरिया मीट कर सकते हो। नंबर 6 पर ऑप्शन आ रही हैव एट लीस्ट 100 पेज फॉलोअर्स, आपका जो फेसबुक पेज है उस पर मिनिमम 100 फॉलोअर्स होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो फिर भी आप ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाओगे, आप जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो अब मैं बात करता हूँ अपने दूसरे पेज की, उस पर मैंने ये सारा क्राइटेरिया मीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट अ गेमिंग वीडियो क्रिएटर, ये भी टिक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम फॉर एन एलिजिबल कंट्री, इस पर भी टिक लग गया है। थर्ड नंबर पर मीट कम्युनिटी स्टैंडर्ड, इसलिए भी ओके है। तो ये 6 के 6 जो ऑप्शन है यानी 6 के 6 फीचर हैं, सारे ओके हो गए हैं। मैंने इस पर लाइव स्ट्रीम किया था जिसकी वजह से क्राइटेरिया मीट कर गया हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे ये 100 रिक्वायर्ड फॉलोअर थे, मेरे फॉलोअर इस पेज पे तकरीबन 20,000 प्लस हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद या इनको आपने रीड कर लेना, रीड करने के बाद आई एग्री के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रही कॉन्ग्रेचुलेशन यूर एप्लीकेशन वॉज अप्रूव्ड एंड यू आर नाउ एबल टू रिसीव स्टार्स ड्यूरिंग यूर लाइव गेम स्ट्रीम, तो सेटअप स्टार्स पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेटअप पेमेंट, यहाँ पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोवाइड करनी। फर्स्ट नंबर पर कंट्री आपने सेलेक्ट करना है, तो मैं पाकिस्तान से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो वो कंट्री सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। तो गाइस उसके बाद ऑप्शन आ रही बिजनेस टाइप, तो यहाँ पर आपने बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है, मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा, आपका जो भी बिजनेस टाइप है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल करने के बाद यहाँ पर योर लीगल नेम, यहाँ पर आपने अपना नेम प्रोवाइड करना है, मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि मैं इस इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद ब्लर कर दूंगा, इसलिए आपको पहले से गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर सिटी आ गया, स्टेट मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब लिखूंगा, आप सिंध से जिस स्टेट से हो वो स्टेट आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने अपना जिप कोड प्रोवाइड करना है, आपने अपने इलाके का।
अगर आपको जिप कोड का नहीं पता तो आपने सिंपली गूगल क्रोम में जाकर सर्च करना है, अपने इलाके का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं टाउनशिप में रहता हूँ तो मैं लिखूंगा टाउनशिप जिप कोड, तो मुझे जिप कोड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर है, अपना फोन नंबर प्रोवाइड करना है, और यहाँ पर आपने कॉन्टेक्ट ईमेल, जो अभी आपका ईमेल आईडी है, वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद लीगल इन्फो, यहाँ पर आपने वो कह रहा है अदर गवर्नमेंट इशू टैक्स आईडी, आपने जो अगर आप टैक्स पेड है, टैक्स वगैरह जमा करवाते हैं तो आपने जो टैक्स आईडी वो प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास नहीं है, फाइलर नहीं है, तो आपने यहाँ पर सिंपली अपना आईडी कार्ड लिख देना है। जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो आईडी कार्ड लिखेंगे, इंडिया वाले उनका आधार कार्ड होता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करते हैं। लिंक बैंक पर आपने क्लिक कर देना है, और जो जो मैंने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी सारी रिव्यू योर डिटेल्स यहाँ पर आ गई, यहाँ से आपने अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है। ओके, यहाँ से आपने इसको कंफर्म कर देना है। यू आर ऑल सेट, यहाँ डन पर आपने क्लिक कर देना है, और आपकी स्टार मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है। और मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पर, तो गाइस हमारी स्टार मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है, ये देखिएगा, यू आर एबल टू अर्न मनी विद स्टार। तो आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।